नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है और न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इस मैच में काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, हो नहीं पा रहा है यह मैच बैड लाइट की वजह से। बताएंगे आपको सब कुछ। इसके साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर दोनों ही टीमों से बड़े बड़े न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं, जिसे हम आपके लिए इस वीडियो में कवर करेंगे। यह हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपडेट सीरीज का 10वां पार्ट है और इसके पहले वाले अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 10 अपडेट्स आपको बताएंगे। जो यदि क्रिकेट के बहुत ही बड़े वाले फैन है और इस मुकाबले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, आखिरकार आज समय पर टॉस हो गया, जिसमें विराट कोहली ने टॉस हारा और उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। और अभी तक भारत के 146 रन हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने 3 बल्लेबाज रोहित शर्मा, सुमन गिल और चेतेश्वर पुजारा पवेलियन जा चुके हैं और मैच अभी तक 2-3 बार रुक चुका है क्योंकि बैड लाइट कंडीशन है वहां पर। कुल मिलाकर 98 ओवर का आज मैच था, लेकिन अब देखिए क्या होता है और आपको आगे बताएंगे बैड लाइट क्या होता है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि बैड लाइट एक्चुअली होता क्या है, कि वैसा सिचुएशन जहां पर क्रिकेट का जो लाल गेंद है वह सही से बल्लेबाज, फील्डर और गेंदबाज को नहीं दिखता है, तो उस कंडीशन को बैड लाइट कंडीशन कहते हैं। इससे खिलाड़ियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से गेम को रोकना पड़ता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंपायर जो है वह एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसे लाइट मीटर कहा जाता है, और इस मीटर के जरिए अंपायर यह फैसला करते हैं कि बैड लाइट है या नहीं। और 2010 के पहले अंपायर्स जो थे सो बल्लेबाजों पर निर्भर करते थे बैड लाइट कंडीशन घोषित करने के लिए, जब उन्हें गेंद नहीं दिखता था तब। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यदि आप मैच देख रहे होंगे तो आपने गौर किया होगा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी अपने हाथ में काला पट्टी बांधे हुए थे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कल ही मिल्खा सिंह इस दुनिया को छोड़ गए, जिसकी वजह से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय क्रिकेटरों ने अपने हाथ में काला पट्टा बांधा। मिल्खा सिंह एक ऐसे शख्सियत थे खेल जगत के जिन्होंने काफी नाम कमाया था, और उनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुआ। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वह बिना कोई स्पिन गेंदबाज के उतरे हैं और उनके सारे गेंदबाज तेज गेंदबाजी करने वाले हैं, और इसको लेकर स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न ने अपनी चिंता जताई और कहा है कि बहुत बड़ी बेवकूफी कर गए न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि जैसे ही मैदान सूख जाएगा वैसे ही स्पिन गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा, और यदि भारतीय टीम 275 से 300 रन भी बनाते हैं तो वह आराम से इस मैच को जीत जाएंगे अपने स्पिन गेंदबाजी के बदौलत, और वैसे भी इस मैदान पर स्पिन गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो एक तरह से भारत के पास एडवांटेज है कि उन्होंने 2 स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। वैसे दोस्तों, न्यूजीलैंड ने गलती की या नहीं हमें तो पता नहीं, लेकिन आप गलती ना करें। आप स्टार पंटर ऐप से क्रिकेट के मैचों से पैसा कमाने का मौका ना छोड़ें। स्टार पंटर ऐप पर पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी आप खेल सकते हैं। यह सारे मैच स्टार पंटर ऐप पर चल रहे हैं और इनमें पैसा लगाकर आप पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें और फिर आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर राइट साइड में इस आइकन पर क्लिक करें और सारी डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लें, और फिर अपना डिपॉजिट अमाउंट आप ऐड करें यहां पर क्लिक करके। अमाउंट ऐड होते ही आप इन पैसों से अपने मन पसंदीदा गेम खेल सकते हैं। इसमें क्रिकेट के अलावा रमी, कैसीनो, टेबल गेम, अंडर पार और भी तरह तरह की वैरायटी मिलेगी आपको। इसके साथ ही इस ऐप को लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने पर आपको ₹500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप स्टार पंटर पर गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी डाउनलोड करें और पैसा कमाएं। चलिए देखते हैं अपना पांचवां अपडेट। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि रोहित शर्मा ने फिर से निराश किया अपने फैंस को। सबसे पहले तो बता दें कि उन्होंने अपना विकेट बहुत ही सस्ते में गंवा दिया, उन्होंने 34 रन बनाए और आउट हो गए। असल में फैंस इसीलिए गुस्सा है क्योंकि जब भी वह विदेश में खेलते हैं तो हड़बड़ा जाते हैं, टिक कर नहीं खेलते हैं, और उनका जो विदेश में खराब रिकॉर्ड है उसे वह बरकरार ही रखे हुए हैं। वह अपना विकेट बचा सकते थे और आराम से खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने बेवजह का शॉट खेला और आउट हो गए। इसके साथ ही सुमन गिल ने भी तुरंत पवेलियन खुद को पहुंचा लिया, और अच्छा स्टार्ट देने के बाद दोनों ओपनर्स खराब गेंद पर आउट हो गए और उनकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियां देखने को मिल गई। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के नाक में दम कर दिया, जहां पर आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा और सुमन गिल दोनों ही इसका शिकार हुए। दोनों को ही गेंद उनके हेलमेट पर लगी। सुमन गिल को जो चोट लगा काइल जेमिसन की गेंद पर, वह थोड़ा सा सीरियस हो गया क्योंकि उनके हेलमेट का एक हिस्सा टूट गया, और तुरंत मोहम्मद सिराज और मेडिकल स्टाफ आ गए उनको देखने के लिए और चेक करने के लिए कि कंकसन तो नहीं हो गया है, पर वह ठीक थे। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है विराट कोहली की तरफ से। असल में विराट कोहली से यह पूछा गया कि उन्होंने क्यों अपनी टीम में बदलाव नहीं किया, जबकि उन्हें पता है कि वेट आउटफील्ड है और स्पिन गेंदबाजों को रखना सही नहीं होगा। तो ऐसे में उन्होंने जवाब दिया कि वह एक बैलेंस टीम लेकर चलते हैं, और एक बैलेंस टीम होना बहुत ही जरूरी होता है। शुरू से ही इस प्लेइंग 11 के साथ तैयारी की गई है, और रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा टीम में बैलेंस लाते हैं, और वैसे भी कुछ समय के बाद मैदान सूख जाएगा, उसके बाद स्पिन गेंदबाज का रोल काफी अहम होगा। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों, यदि आपको नहीं पता
तो आपको बता दें कि फुटबॉल का एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसका नाम यूरो 2020 है, जिसमें रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कोका कोला का एक बोतल हटा दिया था, जिससे कोका कोला कंपनी को काफी सारा नुकसान हुआ था। और जब विराट कोहली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तब भी वहां पे कोका कोला का बोतल रखा हुआ था, तो उनसे भी फैंस को उम्मीद था कि वह भी कोका कोला का बोतल हटाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारे डिस्कशन चले और विराट कोहली का यह फोटो काफी ट्रेंड भी हुआ। यह थी हमारे आज के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर बड़ी अपडेट्स। ऐसी अपडेट्स हम आईपीएल के लिए भी लाते हैं और हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।